बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम डियर। आज की वीडियो में हम यूरोपास सीवी बनाएंगे और नॉर्मल सीवी बनाएंगे। यूरोपास सीवी का मतलब है कि आप उसको ऑनलाइन बनाएंगे गूगल में, और नॉर्मल सीवी आप एमएस वर्ड में बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल नहीं होती, ये भी स्पेशल होती है, आप हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि यूरोपास आप गूगल में ऑनलाइन बनाओगे, नॉर्मल आप एमएस वर्ड में बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं यूरोपास सीवी। आपने सबसे पहले गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी लिखने के बाद ये वेबसाइट आपने ओपन करना है। ये वेबसाइट आप जब ओपन करते हैं तो आपके पास ये ओपन हो जाता है, देखिए ये, ठीक है। अब ये ओपन हो गया तो इसमें आप ये कर दे यूरोपास सीवी, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ले, बंदे को फायदा हो जाता है। तो होम पे क्लिक करें, होम पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट योर यूरोपास सीवी और क्रिएट योर फ्री यूरोपास प्रोफाइल। तो इसमें फर्क ये है, अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपके पास सीवी बन जाएगी, लेकिन इस सीवी को आप कल एडिट नहीं कर सकते, आप कल अपडेट नहीं कर सकते। आपने बीएस में बनाई, मास्टर इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, या कोई और चीज आप ऐड करना चाहे तो वो आप नहीं कर सकते। ये खत्म हो जाती है, ये इसी पे पीडीएफ में आपके साथ सेव हो जाती है। अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं तो आप किसी भी टाइम अपने सीवी को चेंज कर सकते हैं, पिक्चर चेंज कर सकते हैं, आपने जो भी करना है अपनी सीवी के साथ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूरोपास प्रोफाइल बनाएं, बहुत ही आसान है, बहुत ही शॉर्ट है। अच्छा बढ़िया, जब आप उस पर क्लिक करते हो रजिस्टर माई प्रोफाइल पे, तो आपके सामने ये चीज हो जाता, दोबारा आज ऑन हो जाता है। तो आप रजिस्टर पे क्लिक करें। मैं लॉग इन, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अगर आपका पहले से प्रोफाइल बना है या आपने सीवी बनाई है और एडिट करना चाहते हो तो आप लॉग इन हेयर पे क्लिक करें, तो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये वेलकम बैक लिख रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है। तो आप साइन इट विद डिफरेंट ईमेल एड्रेस वो कर दे। तो इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ गया, क्रिएट एन अकाउंट, तो इस पे क्लिक कर क्रिएट अकाउंट। अकाउंट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्मेशन ईमेल, ईमेल लैंग्वेज इंग्लिश, ये ओके है, इस पे क्लिक कर दे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कहती है कि हमने आपको ईमेल सेंड कर दिया। ईमेल इस टाइप का होता है, देखिए आपको इस टाइप का ईमेल रिसीव हो जाएगा। इस ईमेल में आपने दिस लिंक, इस पे क्लिक करना है। तो दिस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगा कि आप पासवर्ड दे दें, नया पासवर्ड क्रिएट करें, क्योंकि उस वक्त आपका पास, मेरे पास ये चीज आ गया क्योंकि ये चीज मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप जब इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप नया पासवर्ड क्रिएट करें। जब आप नया पासवर्ड क्रिएट करते हो तो फिर आपका प्रोफाइल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने, मतलब आपके सामने डायरेक्ट आ जाएगा कि क्रिएट नाउ सीवी, ये वाला ऑप्शन आएगा। देखिए पासवर्ड बनाने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पे डू नॉट आस्क मी अगेन यस क्लिक कर दे, तो ये हो गया, ओके आपके सामने ये ओपन हो गया, ये आपका प्रोफाइल है। अच्छा, इस मी पे क्लिक करें। मी पर क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है, तो ये डिफरेंट नजर आ रहा है। तो जब आप मी पे क्लिक करते हैं तो आपके साथ ये ऑप्शन आएगा, क्रिएट अ सीवी। तो क्रिएट सीवी पे क्लिक करें। स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल का मतलब है कि आपने जो अपने प्रोफाइल में जो कुछ ऐड किया है वो आपकी सीवी में ऐड कर दे, या आपको बिल्कुल न्यू सीवी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम प्रोफाइल कर दे, क्योंकि आपने प्रोफाइल में जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड की है वो आपकी सीवी का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। रिज्यूम लास्ट सीवी, जो हम पहले बना रहे थे, कह रहे थे कि उसको दोबारा स्टार्ट करें, वो छोड़े। अगर आपने प्रोफाइल में कुछ भी नहीं डाला है तो यू आर रिकमेंडेड को उसमें डाल ले, अदरवाइज क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक करें। अगर आपने पहली सीवी बनाई है और कहीं पे लैपटॉप में सेव की है तो स्टार्ट फ्रॉम योर पास्ट सीवी, तो उससे स्टार्ट ले सकते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल करें, ठीक है। अच्छा, क्रिएट न्यू सीवी पे अगर आप करते हैं, रिज्यूम लास्ट सीवी कंटिन्यू, तो देखें ये हो गया क्रिएट न्यू सीवी, ओके। तो यहाँ पे देखें सब चीजें आपने वही दोबारा देनी है जो आपने प्रोफाइल में देने थे। अगर आपने प्रोफाइल में दिए हैं तो आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आ गया। अब लगे रहो, इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश है, ठीक है। डेट फॉर्मेट, आप किस तरह डेट लिखना चाहते हो, 23 अप्रैल या 23/4/2019 या 23 अप्रैल 2019 या 23 और 4 के दरमियान, इस तरह हाइफन ये डैश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये आपकी मर्जी, ये वाला ठीक है, ओके। यहाँ पे इमेज अपलोड कर ले, देखिए
कोशिश करें कि वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। ये हो गया पिक्चर नेम, ओके। डिस्क्रिप्शन अबाउट मी, आपने अपने बारे में यहां कुछ लिख ले, जो भी आपने लिखना है वो लिख ले। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बस वो लिख ले। आप इससे अच्छा लिख सकते हैं। मैंने ये लिख लिया कि आई वॉन्ट टू कंप्लीट अ डॉक्टर और मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख ले जिस यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर को आप ईमेल कर रहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अंडर द सुपरविजन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड टीचर एंड टू पॉलिश माई स्किल्स एंड अपटेन बेनिफिट फ्रॉम दियर एक्सपर्टीज, फ्रॉम दियर रिसर्च एक्सपर्टीज। यू कैन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूर सेल्फ हेयर। इसको रिमूव करें। अगर आपने जॉब के लिए ये सीवी बनानी है तो जॉब के रिलेटेड कुछ बात ही लिख ले कि मैं टीचिंग से शौक रखता हूँ, मैंने टीचिंग के लिए ये करना, मैं टीचिंग के जरिए अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहता हूँ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप अपने बारे में इससे ज्यादा ना लिख ले। इट्स ओके, इट्स एनएफ। डेट ऑफ बर्थ, महीना, ईयर ना है ये है, ठीक है। नेशनैलिटी, ओके। कॉन्टेक्ट नंबर सही लिख ले। फोन नंबर, होम, वर्क, मोबाइल, अदर जगह का है तो सोशल मीडिया पे आपका कोई प्लेटफॉर्म हो जो वो हो, मतलब एक्टिव हो और आप यूज कर रहे हैं तो आप अपना, मैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, तो जो आपको, जो आपके एक्सेस में हो। एड हियर योर सोशल मीडिया, द फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशन पॉइंट के नाम पे मेरा वो है यूट्यूब एंड फेसबुक ग्रुप बोथ। इंस्टेंट मैसेजिंग, आप मतलब आपको जल्द मैसेज किस चीज के जरिए मुमकिन है, तो चाइना के लिए आपके साथ ये चीज हो तो बड़ा इफेक्टिव है। अदरवाइज व्हाट्सएप मैसेंजर एनीवन यू कैन यूज, तो वीचैट और उसका आईडी लिख ले। व्हाट्सएप मैसेंजर हो आपके पास तो वो लिख ले। वेबसाइट, वेबसाइट आपका अगर कोई वेबसाइट हो तो वो लिख ले, या फिर इस तरह करें कि आप देखें अपनी YouTube चैनल में चले जाएं, तो यहां से मैं अपने YouTube चैनल का लिंक वो कर दूं। ये ऑप्शनल चीजें हैं लेकिन कर दें, कोई इतना वो भी नहीं है इसमें। ये आपने ऐड कर दिया। एड्रेस हो या वर्क प्लेस का या अदर जगह का तो हो मोस्टली, और विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, ये हो गया। सेकंड लाइन अगर जरूरत हो तो लिख ले, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ती, इतना लेंथी नहीं होता। 28420 इधर लिख ले, गूगल में जाए, ठीक है, और लिख ले आप जिस भी सिटी से हो। तो अप्रॉक्सीमेट लिख ले, यहाँ पे आ जाएगा कोई भी। अब ये चाइना में मैं ये चीजें ओपन कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट वो आ रहे हैं, लेकिन 28142 ये भी करेक्ट है, 28420 वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, पता नहीं चलता इसका एग्जैक्ट, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद का दोगे तो आपको गूगल 10-15 पोस्टल एड्रेस शो करेगा, तो अप्रोक्सीमेट जो होता है बस वो लिख ले। पाकिस्तान सेव, ओके। ये मेरे पर्सनल प्रोफाइल के वो हो गए, ठीक है। अब आप सीवी तो इतनी नहीं होती, ये तो देखिए, ये हमारे तो नेम सिर्फ हो गया और मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गए। तो यहाँ पे आपने न्यू सेक्शन सीवी में ऐड करने हैं, तो मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। यूरोपास सीवी ये है जैसे एक कमरा भरा हो सामान से और उसमें हर एक चीज पड़ी हो, आप अपनी जरूरत के मुताबिक चीज उससे उठाते हैं, ठीक है। तो 8 सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपने एजुकेशन डालनी है, ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर उसके बाद आपने डालनी है, अगर पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन आपने डालनी है। उसके बाद फिर आपने डालनी है
वर्क एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद आप निर्णय करते हैं इस सब कुछ चीजों को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग डाल दें, एट सेक्शन। एट सेक्शन में बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, ये चीज याद रखें, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री लिख दे, ठीक है, उसके बाद लोअर वन, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर का वेबसाइट गूगल पे सर्च कर ले, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले। ये खुद ब खुद इसलिए आ रहे हैं कि ये मैंने ऑलरेडी की है ये चीज, ठीक है। अच्छा, ए क्यू एफ लेवल क्या होता है? ए क्यू एफ लेवल यूरोप में एक लेवल है, एक यूनिट है, जिसके जरिए ये जाना जाता है कि आपने ये जो मास्टर लिखा है, अच्छा ये मास्टर का एम बड़ा हो, सिविल सी का एम बड़ा हो, इन चीजों का थोड़ा ख्याल किया करें। ए क्यू एफ लेवल ये होता है कि आपने जो ये चीजें लिखी है इसमें आपकी कितने महारत है। अगर आप अट लिखते हो तो इसका मतलब है कि मैं इसमें इसका हर फन मौला हूँ, तो अट ना लिखे, मुनासिब नहीं है, सिक्स लिख ले। ए क्यू एफ लेवल आप गूगल, चैट जीपीटी कहीं पे भी चेक कर ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कौन सा लेवल सेलेक्ट करना चाहिए। तो ए क्यू एफ लेवल सिक्स सही होता है, क्योंकि आपको थ्योरी आती है, और अगर आपने अट सेलेक्ट किया तो इसका ये मतलब है आपको थ्योरी, फील्ड एक्सपेरिमेंट सब कुछ आते हैं, तो इस तरह तो कोई भी नहीं होता, और स्पेशली इस लेवल पे जो आप हो अभी। पिशावर कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने मास्टर की है, कौन सी कंट्री में है, ओके, कब स्टार्ट की थी, तो वो डेट लिख ले, कौन से ईयर में स्टार्ट की थी, ये मैंने मास्टर लिखा तो मास्टर हमने 2016 में स्टार्ट की थी, अगर अभी तक स्टार्ट है तो वो लिख ले। अगर आप समझते हो कि जिस वक्त मैं अप्लाई करूंगा तो उस वक्त तक ख़त्म होगा तो बस ख़त्म ही लिख ले, या फिर बाद में से भी बनाए, तो ये चीज़ें आपके हाथ में है। अगर आपको जो मैंने बता दिया, अगर आपने यूरोपास सीवी का प्रोफाइल बनाया हो, सेव, ओके। एड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे सिर्फ मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग और बीएस एड करें। अगर आपका बीएस है तो सिर्फ बीएस लिख लीजिए, एफईसी और मेट्रिक एड ना करें, ओके। ये टिप याद रखें। ये अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग वेबसाइट ये हो गया, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग। कैंपस का नाम ना लिखे, यहाँ पे मेन कैंपस जो होता है वो लिख ले, क्योंकि पंजाब में इतने ज्यादा कैंपसेज होते तो वो ना लिख ले, वो मेन कैंपस लिख ले। सिटी, ये मेरे पास ये सब चीज़ें बाई डिफॉल्ट इसलिए नाम आ रहे हैं कि ये चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसमें 2-3 घंटे लगते हैं, इतने आराम से नहीं बनती जो अभी बन रही है। ये मैंने सीखी है पहले सुबह 10 बजे से लगाऊँ, अब 1:44 है चाइना टाइम, ओके, 2016, और आप लोग सिर्फ देख नहीं सकते। खैर, अपना फ़ायदा नुकसान है। ये हो गया, और 2016 में बीएस फिनिश हुआ था। सेव, ओके, ये हो गया मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग। अब इसके बाद एजुकेशन हो गया, आपका पर्सनल डिटेल हो गया, आपका एजुकेशन हो गया। अब एड न्यूज सेक्शन करें। एड न्यूज सेक्शन में आपकी मर्जी है, कुछ भी ऐड करना है, लेकिन अगर मेरी मर्जी हो और मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं पब्लिकेशन ऐड करूँगा। पब्लिकेशन नहीं है तो प्रोजेक्ट ऐड करें। पब्लिकेशन और प्रोजेक्ट में मैं ये फर्क कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट वो होता है जो आपने अपने यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च वर्क किया हो, कुछ भी किया हो, किसी चीज़ पे असाइनमेंट लिखा हो और रिसर्च रिलेटेड हो या किसी मतलब, तो वो लिख ले, उसका टाइटल लिख ले, उसके बारे में लिख ले। पब्लिकेशन तो आपको पता है रिसर्च पेपर होता है, जिसने पब्लिकेशन की हो उसको सब कुछ पता होता है। तो इस तालीम के बाद सब पब्लिकेशन लिख ले, अगर वो नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट लिख ले, और प्रोजेक्ट में थीसिस या जो आपके जहन में हो और जो प्रपोजल आपने बनाई हो, फिफ्थ वीडियो में हमने डिस्कस भी की है, तो पहले प्रपोजल बनाएं फिर उसके बाद वो चीज़ ऐड करें। अच्छा, ये सीवी आप जॉब के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने वहाँ पे लिखना है वर्क एक्सपीरियंस इसके बाद, तो ये चीज़ नोट करें। अच्छा, अगर आपने आगे पीछे कुछ सेलेक्ट किया तो वो सीवी में चेंज भी हो सकता है, इसका कोई मसला नहीं है। पब्लिकेशन पे जाते हैं, फिलहाल हम उस पे फोकस कर रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप के लिए बना रहे हैं। अगर आप जॉब के लिए बना रहे हैं तो मैंने बता दिया उसके मुताबिक आप बना रहे। टाइटल पब्लिकेशन का जो आपका टाइटल है वो अपना पेपर, ठीक है, लेट सपोज ये मेरा पब्लिकेशन है, ओके, इसका टाइटल ये हो गया, कौन सी ईयर में था, 19, यूआरएल ये कर दे,
अदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, जर्नल टाइटल, वॉल्यूम, पेजेस, तो ये सब कुछ है। ठीक है, तभी करें। अगर आपकी पब्लिकेशन नहीं है तो मैंने आपको पहले भी कहा तो वो ऐड ना करें। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन में आपको अपने आपने प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको जो पता हो, इस तरह जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट हम लिखते हैं उस तरह आप यहाँ पे लिख लें। अगर आप जॉब के लिए ये सीवी बना रहे हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, तो आप ये चीजें ऐड ना करिए। पब्लिकेशन और प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आप स्किप करें, आपने ये ऐड नहीं करनी। देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब ये फिर हम उसमें भी देखेंगे जब सीवी बन जाए, ये हो गए। ओके, अब इसी पोर्शन में पब्लिकेशन के अंदर आपने कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करना है? मोस्ट आपके एक दूसरी पब्लिकेशन है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, और उसका एक वैलिड लिंक जो हो वो आप ऐड कर दें। हो गया, सेव। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे सॉरी, एड पब्लिकेशन, नया पब्लिकेशन ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करना है, वो मैंने गलत आपको बताया। एड पब्लिकेशन पे क्लिक करना तो यहाँ पे वो कर दे, और अब मुझे मे भी दूसरा पेपर मिल जाए। मुश्किल है कि वो इतना जल्द मिल जाए, लेकिन इस पेपर को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, तो इससे वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपकी दूसरी पब्लिकेशन है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दे, अगर आपकी नहीं है तो कैंसिल, तो बस यही एक पब्लिकेशन होगी। ओके, अब न्यू सेक्शन, पब्लिकेशन के बाद अगर पब्लिकेशन भी है और आपने रिसर्च किया है, थीसिस वगैरह, तो या कोई प्रोजेक्ट किया हो हटकर फील्ड में काम किया हो, तो वो यहाँ पे ऐड कर ले। ठीक है, एड सेक्शन, प्रोजेक्ट का टाइटल, फ्रॉम प्रोजेक्ट का टाइटल साइट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन, जो मैंने किया था मैं वो आपको दिखाता हूँ, तो इसके इससे आप वो नकल ले लें। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज, ओके, मंथ ईयर सॉरी 17 और 19 में अपडेट हुआ था, 20, 21, 22 ज्यादातर ना लिखे उसमें, कोवेट था सारी दुनिया में। अच्छा, वहां पे डिस्क्रिप्शन, इन दिस कंस्ट्रक्शन वर्क आई वाज साइट मैनेजर, आर आई हैव साइट मैनेजर एंड आई वाज कंट्रोलिंग मटेरियल क्वालिटी, तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दे। अब मैं एक एक चीज लिखूंगा तो ये वीडियो घंटों तक जाएगी। ओके, ये हो गया, एड अ वीडियो वैलिड लिंक, कोई लिंक हो आपने ये, मतलब इस कंपनी का कोई लिंक हो, कुछ भी हो आप कर सकते हो, विदाउट इसके भी आप आगे जा सकते हो। देखिए, अब ये आपका सीवी बन रहा है, आपका डेटा, आपका एजुकेशन, आपकी पब्लिकेशन, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखें आपका प्रोजेक्ट्स न्यू सेक्शन में, अगर आपके पास है तो इस न्यू सेक्शन में आपने क्या ऐड करने हैं, वो वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, ये 6-6 या 3-3 महीनों वाली चीजें ना लिखे, सबको कंबाइन करके 1-2 साल में इस चीज को क्लियर कर दे। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेश फारे हुए हो, वॉलंटियर काम तो किया होगा आपने, नहीं किया आपकी यूनिवर्सिटी में तो हो रहे थे, वो ऐड कर ले। ठीक है, अच्छा, वॉलंटियर वर्क से पहले अनर एन अवार्ड ऐड कर ले। अनर एन अवार्ड में आपने लिखना है, देखिए मिनिस्टर लैपटॉप, ये लिख ले, उन्होंने आपको ये लैपटॉप दिया हो लेट सब, तो वो लिख ले। अवार्डिंग इंस्टीट्यूट किया थी, यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिख ले, यहाँ पे उनको ये पता नहीं चलता कि आप सिर्फ वो लिख ले, UET, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, किस डेट पे दिया था तो अप्रॉक्सीमेट लिख ले। ओके, डिस्क्रिप्शन, ऑन द बेस ऑफ गुड GPA एंड गुड ग्रेड्स
गुड रिजल्ट आई हैव गॉट दिस प्राइम मिनिस्टर दिस लैपटॉप, और ये लिख ले कि पूरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे जिसमें सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को ये लैपटॉप दिया गया और उसमें मैं भी था। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी इस लैपटॉप के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ और भी है, आपको आप जो स्टडी कर रहे थे ये मैंने सेव कर दिया। अनर्स एंड अवार्ड आप और ऐड कर रहे हैं तो लिख ले बीएस मैंने स्कॉलरशिप, बीएस ऑन स्कॉलरशिप, मैंने बीएस जो किया है या मैंने जो मास्टर किया है वो मैंने स्कॉलरशिप पर किया है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर किया है तो ये अच्छा। अब देखिए डियर, यहाँ पर इन चीजों का खास ख्याल रखिए, ये यूनिवर्सिटी यू बड़ा देखिए ऑफ इंजीनियरिंग ई बड़ा ये बड़ा और स्पेलिंग का बिल्कुल मिस्टेक ना हो, इन चीजों का खास ख्याल रखिए। मैं तो काफी रफ लिख रहा हूँ, मैं ये ट्राई करता हूँ कि कम टाइम में 2 सीवी हम बना लें। डिस्क्रिप्शन, ये स्कॉलरशिप आपको क्यों मिली, ऐसा क्या वजह था कि आपको मिली, बाकी लड़कों को क्यों नहीं मिली, तो लिख ले कि एफएससी में मेरे मार्क्स अच्छे थे और इसका क्राइटेरिया ये था जिसकी बेस मुझे ये मिला, मुझे इतना मंथली मिलता था, ठीक है। और हर साल ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस पे था, हर साल ये रिन्यू होता था, तो हर साल मैंने अपने ग्रेड को बरकरार रखा, ठीक है। तो ये आपके अनर्स एंड अवार्ड हो गए सेव। अब एड न्यू सेक्शन, यहाँ पे आप वॉलंटियर वर्क ऐड कर दें, पॉलिटिकल तो बिल्कुल ना लिखे, ये हो गया वॉलंटियर, ब्लड सोसाइटी में था, ठीक है। पाकिस्तान में कब से इसमें आप काम कर रहे थे, जब से कर रहे थे वो लिख ले, ठीक है। 2020 तक तो उसके बारे में लिख ले, वहां आप लोग किया करते थे, इस तरह काम करते थे, आपने कितने लोगों को सर्व किया है, कौन कौन से हॉस्पिटल में आप लोगों ने ब्लड दिया है, कितने कैंप आपने लगाए थे, कितने बंदों ने आपको ब्लड दिया था, लेकिन 2 लाइन से ज्यादा नहीं, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। अगर उन्होंने देखना है तो इसको देखना होगा, आप इस डिस्क्रिप्शन को नहीं देखना होगा, तो 2 लाइन में सिर्फ डिस्क्राइब करें, ठीक है। लिंक फाइल और वीडियो, अगर आपके पास कोई वीडियो और आप दे सकते हो बट छोड़े, वो आपकी सोशल मीडिया पे होगी, उसका लिंक जब आप दोगे, बट ये दे सकते हो अगर आपने सोशल मीडिया पे वो अपने इवेंट का, अपने ब्लड कलेक्शन का वो वीडियो वगैरह बनाई है और सोशल मीडिया पे सही तरीके से, तो आप आराम से लिंक यहाँ पे अपने चैनल से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन जरूरी इन चीजों की इतनी वो नहीं है, ठीक है, औकात नहीं है। अब यहाँ पे वॉलंटियर वर्क मैं मजीद ऐड करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स की जगह लिख ले ऑर्गेनाइजर, मैं ऑर्गेनाइजर था, मैं ये चीजें ऑर्गेनाइज करता था। अगर आप अभी तक इनरोल है तो आप लिख ले कि आन गोइंग, ओके सेव। वॉलंटियर वर्क काफी ज्यादा ना लिख ले, 2 मोस्ट बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपने लिखना है ये चीज ना भूलिए, हाँ ये लैंग्वेज स्किल, ये हम भूल गए, अच्छा ये टेंशन ना ले, ये अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हो, प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लाना चाहते हो, पब्लिकेशन को यहाँ पे लाना चाहते हो, तो ये हो सकता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अदर लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज मतलब मदर टंग एंड अदर लैंग्वेज, तो यहाँ पे देखिए सॉरी, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट का ये मतलब है अगर आप पश्तो लिखते हो तो पश्तो यहाँ पे नहीं आती, तो आप ऐसा लैंग्वेज लिख ले जो यहाँ पे आती। एक बार फिर कहता हूँ, आपने ये जो वर्ड लिखने हैं उर्दू, ये बड़ा लिखना है, ये पाकिस्तान मैंने यहाँ पे छोटा लिखा है, ये सही नहीं है, ये बड़ा हो, कैपिटल हो, ओके। फिजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, ये अगर आपने सही लिखा हो 2 लाइन में या 3 में तो ये बड़ा प्यारा लगेगा, पाकिस्तान का ब्लड होना, पाकिस्तान का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उर्दू लिख लिया, अदर लैंग्वेज में आपको इंग्लिश या चाइनीज जो आती हो वो लिख ले, क्योंकि अच्छा लिसनिंग में कितनी आपका लेवल है, स्पीकिंग में कितना है, राइटिंग में कितना है, रीडिंग में कितना है, तो ये आप आराम से पढ़ ले,
तो इसके मुताबिक आप डिसाइड करें कि आपका पोजीशन क्या है। सी टू शो करता है कि आप बिल्कुल अंग्रेज हो, तो वो ना लिख ले, ये सी वन सही है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ सी वन सब में। आप किसी और से पूछे, सीनियर से पूछे, या कोई बंदा बाहर मुल्क पढ़ रहा हो, इटली वगैरह, उससे पूछ ले, फेसबुक पे पोस्ट करें कि इसमें क्या लिख लें, तो और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डियर, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे, मुझसे काबिल, मुझसे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ बेस दे रहा हूँ आप लोगों को, आप मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, आप लोग बहुत काबिल है, यकीन माने। ये सीवी हो गया। ओके, लैंग्वेज, अब देखिए ये लैंग्वेजेस आपने, ये थोड़ा ऊपर होनी चाहिए क्योंकि वॉलंटियर वर्क एट द एंड होनी चाहिए। लैंग्वेज के लिए यहाँ पर हो गया, अच्छा, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, इसके बाद लैंग्वेज स्किल, इट्स ओके। यहाँ पे ये जो रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन है, ये नहीं भूलना चाहिए और ये एट द एंड होनी चाहिए। ठीक है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, कुछ लोग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दे, बुक्स, ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, लर्निंग, ये चीज़ें हॉबीज एंड इंटरेस्ट में लिख ले, रिसर्च स्किल में कुछ लिख ले। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, सॉफ्टवेयर के बारे में अगर कोई चीज़ हो तो वो लिख ले। ठीक है, एनालिटिक्स, हॉबी, ड्राइवर, क्रिएटिव वर्क, कॉन्फ्रेंस, हाँ, कॉन्फ्रेंसिस एंड सेमिनार हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड किया जरूर लिख ले। डिजिटल स्किल्स में आप अपने सॉफ्टवेयर ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा, डिजिटल स्किल्स फ्रॉम लिस्ट, तो डिजिटल स्किल्स में लिखते हैं, लेट सपोज, देखिए, गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ओपन ऑफिस, ऑरिजन सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, सॉरी, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मैंने ऑरिजन एक सॉफ्टवेयर लिख दिया तो इस पे आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद आप मैटलैब, लेट सपोज, ये आ गया। ठीक है, एड लिस्ट में नहीं आ गया लेकिन एड हो गया। कुछ चीजें लिस्ट में होती है तो लिस्ट वाला, आर इंटर फ्री, फ्री में इंटर कर सकते हैं, जो लिस्ट में हो तो वो इस तरह डिटेल में होता है, आप अपनी तरफ से यहाँ ऐड कर सकते हैं मेटलेब, जो मैंने वो कर दिया। अच्छा, एमएस ऑफिस, अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखें, ये एमएस ऑफिस जब आप ऐड करते हो तो इट्स ओके, इसके बाद फिर वो ऐड ना करें जुदा जुदा, एक्सेल, देखिए एमएस ऑफिस में ये सारी चीजें आ गई, देखिए एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, ये तो जितने जो आपको आते ये वाला सही है, बस ये तीनों हमें सबको आते हैं तो ये वाला हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे स्किल है। इसके अलावा आपको कुछ आता हो, ऑटोकैड, देखिए ये ऑटोकैड 2017, ऑटोकैड, इसके अलावा वो आजकल जो यूज होता है ज्यादातर GIS, लेट सर, हाँ ये वाला, तो इसमें ये ऐड कर दें, तो ये हमने ऐड कर दिया, इट्स ओके। ओके, सेव, ये हो गया। अब देखें नेक्स्ट पे जाते हैं, बिफोर यू कंटिन्यू प्लीज फिल इन द मैंडेटरी फील्ड्स मार्क्ड इन रेड। ओके, एजुकेशन पॉइंट, द फील्ड कंटेंट अ वैलिड URL, तो यहाँ पे आपने वैलिड URL पुट करना है, URL ये चीज होता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट, लेट सपोज, अब देखें, नोट करें, पॉइंट्स नोट करें, ये सी भी बन गई, इसको आप एडिट कर सकते, कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह हेलो मोहम्मद आसिफ अली का आपने प्रोफाइल बनाया हो, जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, तो देखिए अब ये सी भी आपको प्यारी नहीं लग रही, लेट सपोज, तो ये चार फॉर्मेट आपके सामने है, उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। मैं आपको एक बताऊंगा कि वो वाला कर ले, फिर आपको जो पसंद हो वो वाला कर ले। अब देखिए ये वाला प्यारा नहीं लग रहा, ये देखिए, वेबसाइट, यूट्यूब, व्हाट्सएप मैसेंजर, एड्रेस, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर लिखे हुए है, ये प्यारा नहीं लग रहा। एजुकेशन में देखिए, मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग, अब देखिए ये वेबसाइट्स अगर आप पुट करते हो ना, फिर ये आपने पुट करनी, ये सही है। लेवल इन EQF, ये पब्लिकेशन देखिए, अच्छा, प्रोजेक्ट देखिए, ऑनर एंड अवार्ड्स, लैंग्वेज स्किल्स आ गए उर्दू और इंग्लिश में आपके ये लेवल से। अगर आपको इसके अलावा लैंग्वेज आती है चाइनीज वगैरह तो आप ऐड कर सकते हो। वॉलंटियर वर्क आ गए, डिजिटल स्किल्स, अच्छा, डिजिटल स्किल वॉलंटियर स्किल्स के ऊपर होनी चाहिए। अब किस तरह ऊपर करें, एडिट में जाना होगा, एडिट में किस तरह जाए, प्रीवियस पे क्लिक करना होगा। ओके, प्रीवियस पे आ गए,
डिजिटल स्किल ऊपर। ओके, एक चीज हमने नहीं ऐड की है जो फर्ज है, रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन जिन टीचर्स से आपने रिकमेंडेशन लिए है तो उसके नाम, जिन टीचर से आपने, तो एक को लिख ले सुपरवाइजर। हमेशा हम दो टीचर से वो लिखते लेते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। यहां पर आपने क्या लिखना है, उसका ओहदा, कौन से डिपार्टमेंट में। तो देखिए डियर, ये चीज बहुत अकवर्ड लग रही है, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये फर्स्ट वर्ड प्रोफेसर का कैपिटल, स्पेलिंग बिल्कुल गलत ना हो। मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो जा रही है, 30 तक पहुंच गई और हमारे लोग 5 मिनट से ज्यादा तो कुछ देख नहीं सकते फिल्म के अलावा। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग हो गई और यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, पूरा नेम लिख लिया यूनिवर्सिटी का। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आपने पूरा नाम लिखना है, पिशावर एंड टेक्नोलॉजी, जो नाम हो वो पूरा लिख लें। ठीक है, टेक्नोलॉजी टी, बड़ा बुरा लग रहा है। ओके, लिंक कोई जरूरत नहीं है, लिंक से ये चीज और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। हाँ, ईमेल तो हो गया यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अनदर सेव, अनदर रिकमेंडेशन, कोशिश करें दो, क्योंकि असलम खान भाई क्वार्टर लिख ले, कुछ भी लिख ले, ये वो नहीं है। लीडर, प्रोफेसर, टीचर का जस्ट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर को अतर हो तो इट्स ओके। डिस्क्रिप्शन में इस तरह, इस यहां पे आप इन तीनों को हेडिंग दे सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, अच्छे नहीं लगते। सेव, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ गए, यहां पर आप दोबारा एक बार सीवी को देख ले, ये तो बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही, तो इसको हमने प्यारी लगानी है। खैर, प्यारी बाद में इसको सेट करेंगे कि ये प्यारी भी लगे और अच्छी भी लगे, लेकिन उससे पहले आप इस पे सोचे कि हम, मैंने क्या ऐड किया है, क्या नहीं ऐड किया है। अबाउट माई सेल्फ, एजुकेशन हो गया, पब्लिकेशन हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, अनर्स एंड अवार्ड हो गए, लैंग्वेज स्किल्स हो गए, ठीक है, डिजिटल स्किल हो गए, वॉलंटियर वर्क हो गए और रिकमेंडेशन हो गए। ये सीवी परफेक्ट, ये पूरा हो गए। ये वाला फॉर्मेट चेक करते, ये चार फॉर्मेट है। अब इस पे क्लिक कर दिया मैंने, लिटिल वेट करें 1-2 सेकंड। ये वाला भी सही लग रही है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कॉन्टेक्ट, ये चीजें हो गई डायरेक्ट, ये पता चल गया बंदा कहाँ से। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या किया है, मास्टर से पता चल गया। ओके, पब्लिकेशन, डायरेक्ट पब्लिकेशन। ये प्रोजेक्ट के बारे में आपने यहाँ लिखना है, 3 लाइन कम से कम लिखने हैं यहाँ पे, मैंने नहीं लिखने हैं, लिखे है, आपने लिखने हैं। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट देखे, ये लिंक देखे, बहुत प्यारा लग रहा है। किस ईयर में पब्लिकेशन किए, बहुत जबरदस्त, वन ग्लांस, वन लुक में सब कुछ क्लियर। प्रोजेक्ट्स किया, बनाया है, तो ये चीज अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अनर्स किया है, बीएस ऑन स्कॉलरशिप, बहुत ही जबरदस्त ये है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप ना लिखे, ये मैंने गलत लिखा है, गॉट अ लैपटॉप फ्रॉम यूनिवर्सिटी या गॉट लैपटॉप एज अ अवार्ड, ठीक है, तो कोई अच्छा सा अवार्ड ढूंढे। लैंग्वेज स्किल्स, तो इससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते, ये इस तरह ही आते हैं, मदर टंग, अदर लैंग्वेज इंग्लिश, लिसनिंग ये लेवल है, रीडिंग ये लेवल है, राइटिंग ये है, डिजिटल स्किल्स में देखें, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ये डिजिटल स्किल्स यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इसका सेटिंग चेंज हो जाए। बैक पे जाए, बैक पे आ गए,
डिजिटल स्किल्स में आ जाए, कहाँ पे थे, यहाँ पे है डिजिटल स्किल्स, एडिट पे क्लिक कर दिया। लेट्स सपोज देखते हैं क्या बनता है। डिजिटल स्किल्स को ग्रुप करते हैं, ग्रुप इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे लाया, इसको भी यहाँ पे लाया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाया, सेव, नेक्स्ट। अब देखते हैं कि डिजिटल स्किल वाला पोर्शन कैसे हो गया, उस वक्त तो सही नहीं लग रहा था। किधर चला गया, फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेशन। अब देखिए डियर, जब मैंने डिजिटल स्किल्स को ग्रुप कर दिया तो वो गायब हो गए, ठीक है, ये चीज नोट करें। तो आपने ग्रुप नहीं करने हैं मेरे ख्याल में। एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे लेट्स सी। देखिए डियर, वो डिजिटल स्किल्स मैंने ग्रुप कर दिया, मैंने सोचा कहीं पे वो आ जाएगा, लुक अच्छा आ जाएगा, लेकिन वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो आपने ग्रुप नहीं करने हैं, तो आपने डिजिटल स्किल्स पे दोबारा क्लिक करना है, ऐड सेक्शन करनी है, ऐड सेक्शन में आ जाए, यहाँ पे आप लिख ले ऑरिजन, ठीक है। तो आप ऑरिजन जो ही लिखते हैं आपके सामने ये हो जाता है ऑफिस, एमएस ऑफिस। तो ये आप जब लिखते हैं तो आपके साथ देखिए एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ आ गए, और कुछ केड, इसके अलावा आपको जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो लिख ले। हाँ, 3D+ 2D ऑटोकैड में आपको जो चीज आती है, देखिए ग्रुप योर स्किल्स। तो ये आपने ग्रुप नहीं करने, क्योंकि हमने ग्रुप कर दिया, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। सेव, नेक्स्ट। अब ये आ गया, ये आपका CV हो गया, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मेट हो गया आपके सामने, ये देखिए ये आपके रिकमेंडेशंस, ये आपके, अच्छा, डिजिटल स्किल्स को आप आगे सब कुछ, ये प्रोजेक्ट आप यहाँ ऊपर लिखना चाहते हो, पब्लिकेशन नीचे लिखना चाहते हो, तो ये सब कुछ आप प्रीवियस करके, मैंने एक बार बता दिया, तो इस पे क्लिक करें सिर्फ इस इन एरो पे, तो ये ऊपर नीचे आराम से जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ और चीजें नोट कर, ये एक और फॉर्मेट है सीवी का, ये वाला देखें, ये अब चेंज हो जाएगा। अगर आपको इस तरह सही लग रही है तो ये कर ले, अगर आपको, देखिए ये वाला चेंज हो रहा है, आप चेंज हो गए, आपको इस तरह सही लग रही है तो ये वाला कर ले, सारे सही है, ठीक है। डिजिटल स्किल्स नीचे है सबसे, इट्स नॉट गुड, प्रीवियस पे चले जाए, डिजिटल स्किल्स नीचे है, ऊपर ले जाए तो ये ऊपर हो गए रिकमेंडेशन से, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो देखिए डिजिटल स्किल्स ऊपर आ गए यहाँ पे, वेरी गुड लुकिंग ऑफ दिस फॉर्मेट, फोर्थ वाला, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जो भी आप वो कर ले, मुझे फोर्थ वाला पसंद आ गया, ये सेकंड वाला हो गया, बट ये फोर्थ वाला। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज नोट करें, ये कलर्स है, इसको मैं क्लिक करता हूं तो क्या हो जाता है देखें, तो ये क्लिक करता हूँ तो क्या चेंज हो जाता है, लेट्स सी, एक मिनट, ये क्लिक कर दिया। तो ये जो ईमेल के सामने, वेबसाइट के सामने, व्हाट्सएप के अंदर सामने और फेस के इर्द गिर्द जो लाइन है वो इस इन कलर के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको यूरोपास लोगो यहाँ चाहिए या नहीं, यूरोपियन कंट्री के लिए हो तो यस करे, चाइनीज के लिए हो तो मेरे ख्याल में नो कर दे। पेज नंबर्स या ऐड कर दे, क्योंकि लिखना चाहिए कि कितने पेजेस है, वो मैंने ऐड कर दिया, ऐड क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया। सेलेक्ट टेम्पल, ये टेम्पलेट फोर्थ वाला, ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, सीवी को तो मैंने नाम दे दिया सीवी फॉर चाइना या यूरोपियन कंट्री को, तो वो दे दे, चाइना का स्पेलिंग सही निकले, ओके। डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करके आपका सीवी बन गया, डाउनलोड भी हो गया, लेकिन ये चीज ना भूलिए, सेव इन माय यूरोपास लाइब्रेरी। इसका फायदा यह है कि एनी टाइम आप अपने सीवी को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिनिश, हमारा सीवी बन गया, ओके। ये है आपका सीवी, 39 मिनट में आपका सीवी बन गया, यकीन माने 5 घंटे मेरे लगे, क्योंकि मैंने यूरोपास सीवी पहले नहीं बनाई थी,
लेकिन आप लोगों के लिए सीखी और बनाई, तो आप लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। बहुत प्यारी लग रही है, इट्स ओके ओके इट्स परफेक्ट, ये वाले सही है। कोई भी फॉर्मेट देखे, सब कुछ एक लुक में बंदा आ जाए। आसिफ है, एजुकेशन ये है, पब्लिकेशन ये है, प्रोजेक्ट्स ये है। प्रोजेक्ट्स में सिर्फ यहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन डालें तो ये और प्यारा लगेगा। टीचर को इन चीज से काम है, पब्लिकेशन से और प्रोजेक्ट से, बाकी किसी भी चीज से काम नहीं है। अनर्स अवार्ड, लैंग्वेज स्किल, वॉलंटियर वर्क, डिजिटल स्किल से तब काम होता है इन लोगों का जब आपकी ये दो पोर्शन पास हो जाए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और पब्लिकेशन जब पास हो जाए तो उनको इन चीजों से तब काम होता है। इनका इससे कभी भी काम नहीं होता जब आपकी ये दो पोर्शन पास नहीं होते। ये हो गया आपका यूरोपास सीवी। अब चलते हैं एमएस वर्ड में आप सीवी कैसे बनाओगे, बिल्कुल स्टार्ट। अच्छा डियर, अब हम बनाएंगे एमएस वर्ड में सीवी। ये तो हो गई यूरोपास जो आप ऑनलाइन बनाते हो, अब हम एमएस वर्ड में बनाएंगे। बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से लेते हैं, इंसर्ट पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट में आपने हेडर पे क्लिक करना है, हेडर में आपने ये इसको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर दिया, ये टाइप हियर, इसको रिमूव करें, नीचे आ जाए यहाँ पे लिखे रिज्यूम, ठीक है। ये भी अच्छा, इसको जो भी चीज आपने लिखना है एमएस वर्ड में यहाँ पे, तो उसको आपने प्राइम न्यू रोमन में लिखना है। इसको थोड़ा साइज बढ़ा दे, 16 कर दे, और ये पेज के इस एंड पे रख दे, ओके ये हो गया। अच्छा